पिछले 2.5 साल से विभाजित हुए महाराष्ट्र के दो प्रमुख दलों के लिए ये विधानसभा चुनाव वर्चस्व की लड़ाई बन गए हैं। इस लड़ाई में दो शिवसेना 49 सीटों पर और दो NCP 38 सीटों पर एक दूसरे के आमने सामने चुनाव मैदान में हैं। 87 सीटें भी भविष्य में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे और शरद पवार और अजीत पवार का वर्चस्व तय करेंगी। महाराष्ट्र में करीब 2.5 साल पहले शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी बगावत हुई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना से 40 विधायक लेकर अलग हो गए थे। तब उद्धव के पास सिर्फ 15 विधायक ही बचे थे। इसी प्रकार करीब 1.25 साल पहले अजीत पवार ने भी NCP से बगावत कर दी थी और वो NCP के 52 विधायकों में से लगभग 2/3 विधायक तोड़कर राज्य में पहले से चल रही शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। बाद में NCP के 41 विधायक अजीत पवार के खेमे में शामिल हो गए, तभी से उद्धव ठाकरे अपने विधायकों के साथ साथ अपने दल और चुनाव चिन्ह की चोरी का आरोप एकनाथ शिंदे पर लगाते आ रही हैं। जबकि NCP प्रमुख शरद पवार शुरुआत से ही कहते रहे हैं कि उन्हें नई पार्टियों को खड़ा करने का बहुत ज्यादा अनुभव है, वो फिर से नई पार्टी को खड़ा कर लेंगे। हाल के लोकसभा चुनाव में ये साबित भी हो गया कि शरद पवार फिर से नया दल खड़ा करने में सक्षम हैं, जबकि उद्धव ठाकरे सहानुभूति के सहारे वोट पाने में ज्यादा सफल नहीं हो सके हैं। अब इन दोनों टूटे हुए दलों की असली परीक्षा विधानसभा चुनाव में होने जा रही है, जिसमें राज्य की 49 सीटों पर सीधा मुकाबला एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच है, जबकि 38 सीटों पर सीधा मुकाबला शरद पवार और अजीत पवार की NCP के बीच हो रहा है। इसलिए यही सीटें उद्धव ठाकरे और शरद पवार का वर्चस्व तय करेंगी। जिन 49 सीटों पर दोनों शिवसेना आमने सामने हैं, उनमें से 19 सीटें मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की हैं, जहां अविभाजित शिवसेना का वर्चस्व माना जाता रहा है, जबकि 12 सीटें मुंबई महानगर की हैं। मराठवाड़ा में 8, उत्तर महाराष्ट्र में 4, विदर्भ में 6 और पश्चिमी महाराष्ट्र में 4 सीटों पर दोनों शिवसेनाएं आमने सामने होंगी। लोकसभा चुनाव में 13 सीटों पर दोनों शिवसेनाओं का आमना सामना तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें 7 सीटें शिवसेना यानी शिंदे गुट ने जीती थी, जबकि शिवसेना UBT के हिस्से में 6 सीटें आई थी। लोकसभा चुनाव में अपने गठबंधन में सबसे कम 10 सीटें पाकर 8 पर जीत दर्ज कर 80% स्ट्राइक रेट के साथ सबसे सफल रहे शरद पवार का 38 विधानसभा सीटों पर सीधा मुकाबला उनके भतीजे अजीत पवार की NCP से हो रहा है। इनमें ज्यादातर सीटें पश्चिमी महाराष्ट्र के शुगर बेल्ट की हैं। इनमें से एक सीट बारामती संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बारामती विधानसभा सीट भी है, जहां खुद अजीत पवार का मुकाबला उनके ही भतीजे योगेंद्र पवार से हो रहा है। इनमें से अधिसंख्या सीटें ऐसी हैं जिन पर अजीत पवार के साथ ही उनकी NCP में गए विधायकों एवं मंत्रियों का मुकाबला शरद पवार की ओर से दिए गए नए उम्मीदवारों से हो रहा है। शरद पवार के उम्मीदवारों में ऐसे नेताओं की संख्या भी कम नहीं है जो चुनाव से ठीक पहले BJP या NCP अजीत पवार को छोड़कर शरद पवार के साथ आए हैं। ये उम्मीदवार भी अपनी सीटों पर अपने दम पर चुनकर आने की क्षमता रखते हैं। इन उम्मीदवारों को शरद पवार की रणनीतिक कौशल का भी लाभ मिलने की उम्मीद है। ऐसे में देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ये जो शिवसेना वर्सेस शिवसेना है और NCP वर्सेस NCP की लड़ाई है, इसमें कौन किस पर भारी साबित होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।